हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पटवारी कैसे बने और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण विभाग तथा तालुका स्तर पर राजस्व पद्धति को लागू तथा नियंत्रित करने हेतु बुनियादी बदलाव किए गए हैं। ग्रामीण विभाग में कृषि भूमि तथा अन्य भूमियों संबंधित व्यवहार का हिसाब किताब रखने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी अधिकारी नियुक्त किया गया होता है, जिसे पटवारी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत के लगभग सभी राज्य सरकार के अंतर्गत पटवारी पद मौजूद होता है, जो कि वर्ग सी का सरकारी अफसर पद होता है। स्वाभाविकतः इस पद हेतु चयन की प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता, पटवारी के कार्य इत्यादि के बारे में जानने की आप में से बहुत से लोगों को इच्छा होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको पटवारी पद से जुड़े उन तमाम आवश्यक पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसे जानने के बाद आप में से जो भी लोग भविष्य में पटवारी बनने के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमारी यही कोशिश रहेगी कि विश्लेषणात्मक तौर पर पटवारी संबंधी बातों से आपको परिचित कराएं, जिससे आपको इस विषय को समझने में आसानी हो जाए। क्या होता है पटवारी, आइए जानते हैं संक्षेप में। पहले, भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद ग्रामीण विभाग में प्रशासन व्यवस्था को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्य पूरे किए जाते हैं। वैसे तो ग्रामीण विभाग के अंतर्गत अधिकतर कार्य ग्राम प्रशासन, ग्राम पंचायत के अधीन होते हैं, पर राज्य सरकार के राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों को पूरा करने हेतु एक या एक से ज़्यादा गांवों हेतु एक पटवारी नियुक्त किया जाता है। पटवारी राज्य सरकार का वर्ग सी का पद होता है, जो कि गांवों की भूमि संबंधी हिसाब किताब रखना, जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित व्यवहार का रिकॉर्ड रखना, राजस्व से संबंधी सूचना जारी करना तथा इसे वसूलना, आय प्रमाण पत्र देना आदि कार्य करता है। भारत में वैसे तो शेरशाह सूरी के काल से पटवारी के तौर पर कार्य करने वाले व्यक्ति मौजूद थे, पर उस समय उस काल में इस पद का नाम अलग हुआ करता था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद पटवारी पद और इसके कार्य क्षेत्र के दायरे में काफ़ी सारे बदलाव हुए। अब हम जान लेते हैं पटवारी पद के लिए आवश्यक पात्रता क्या होनी चाहिए। जैसा कि संपूर्ण भारत में विभिन्न राज्यों में पटवारी पद हेतु आवश्यक पात्रताओं में कुछ हद तक अंतर देखने को मिल जाता है, यहाँ ऐसे ही कुछ पात्रता मानदंडों की जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जो सभी उम्मीदवार पटवारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको अनिवार्य तौर पर स्नातक या बैचलर डिग्री को किसी भी शिक्षा धारा से उत्तीर्ण करना अनिवार्य बन जाता है। कुछ समय पहले तक इस पद हेतु न्यूनतम शिक्षा पात्रता कक्षा 12वीं को उत्तीर्ण करना आवश्यक था, पर अब बहुत से राज्यों में स्नातक परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक माना जाता है। सभी इच्छुक उम्मीदवार को न्यूनतम एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। कुछ राज्यों में प्रशासन द्वारा कंप्यूटर से संबंधित मान्यता प्राप्त कोर्स को उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया होता है। यहाँ पर जिन छात्रों ने कंप्यूटर से जुड़े शिक्षाक्रम जैसे कि BCA, BSc इन कंप्यूटर साइंस इत्यादि में स्नातक परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ होता है, उन्हें किसी भी तरह के कंप्यूटर डिप्लोमा या अन्य कोर्स को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि ऐसे उम्मीदवार को छूट प्रदान की गई होती है। पटवारी के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल से लेकर अधिकतम आयु 40 साल तक होना चाहिए आवश्यक होता है। हालांकि भारतीय संविधान द्वारा तय किया गया जातिगत आरक्षण प्रत्येक राज्य में लागू किया गया होता है, जिसके अनुसार विशिष्ट जातिगत वर्ग श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। अब हम पटवारी परीक्षा के प्रारूप के बारे में जान लेते हैं। मुख्य रूप से पटवारी परीक्षा के लिए दो चरणों में परीक्षा ली जाती है, जैसे कि पहला चरण होता है लिखित परीक्षा और दूसरा चरण होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। आपको बता दें कि भारत के कुछ राज्यों में सीधे या सरल तौर पर पटवारी पद हेतु प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, जिसमें केवल मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। यहाँ पर साक्षात्कार के चरण को हटा दिया गया होता है। अब हम आपको पटवारी के लिखित परीक्षा का प्रारूप के बारे में बता देते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान 25 अंकों का होता है, सामान्य हिंदी 25 अंकों का होता है, गणित 25 अंकों का होता है और ग्राम समाज और विकास 25 अंकों का होता है। आपको बता दें कि राज्य के अनुसार परीक्षा के माध्यम
या भाषा में अंतर हो सकता है। इसके अलावा सामान्य हिंदी के जगह पर राज्य के अनुसार स्थानिक भाषा का विषय दिया हुआ रहता है, जिसे आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना होगा। हम पटवारी परीक्षा को कौन आयोजित करता है ये जान लेते हैं। जैसा कि भारत में विभिन्न राज्यों के अंतर्गत कई सारे जिले मौजूद होते हैं, इन सभी जिलों के अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण विभाग या गांव मौजूद होते हैं। बहुत बार एक से ज़्यादा छोटे गांव समूह के लिए एक पटवारी नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे गाँव के समूह को साझा कहा जाता है। ऐसा ही कुछ शब्द प्रयोग पटवारी के दफ्तर को दिया गया होता है, जिसे आम भाषा में साझा नाम से बुलाया जाता है। प्रत्येक राज्य के जिलों में जिला चयन समिति के अंतर्गत पटवारी पद हेतु भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसको संबंधित जिले के जिला अधिकारी के नियंत्रण तथा देखरेख में संपन्न किया जाता है। हालांकि भारत के विभिन्न राज्यों में इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, जैसे कि कुछ राज्यों में स्वतंत्र बोर्ड या समिति द्वारा पटवारी पदों के चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। आप जिस भी राज्य या जिले के निवासी हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटवारी भर्ती संबंधी जानकारी को आप संबंधित राज्य या जिले के आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित विज्ञापन को पढ़ना तथा उपलब्ध स्रोत की मदद से आवेदन करना आपके लिए उचित बन जाता है। अब हम पटवारी परीक्षा का पाठ्यक्रम जान लेते हैं, यानी कि इसके सिलेबस को जान लेते हैं। पटवारी परीक्षा के पाठ्यक्रम में 4 खंड होते हैं। मैं इनको एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। पहला खंड है ग्राम समाज और विकास, जिसमें ग्राम प्रबंधन, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्राम समाज, ग्राम विकास अनुसंधान और परियोजनाएं इत्यादि आते हैं। दूसरा खंड है गणित, जिसमें द्विघात समीकरण, लघुतम समापवर्तक यानी कि HCF LCM, महत्तम समापवर्तक HCF, कारक त्रिभुज और पाइथागोरस थ्योरम, सर्किल, आयत इत्यादि आते हैं। तीसरा खंड है सामान्य ज्ञान, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का वित्तीय, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, भौतिक या पारिस्थितिक संबंधी, भारत और विश्व का भूगोल इत्यादि आते हैं। अर्थशास्त्र, भारतीय प्रशासन व्यवस्था, भारतीय राजनीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे इत्यादि आते हैं। चौथा खंड है सामान्य हिंदी, यहाँ पर राज्य के अनुसार भाषा विषय में बदलाव होता है, जैसे कि हिंदी की जगह पर मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, गुजराती इत्यादि आ सकते हैं। वचन, काल, अलंकार, मुहावरे, संधियाँ, वाक्यों, वाक्यांशों हेतु शब्द इत्यादि, ये सब इसके सिलेबस का भाग है। अब हम पटवारी चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। पटवारी के चयन की प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है, जिस हेतु कुछ राज्यों में लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, तो कुछ राज्यों में लिखित परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। यहाँ पर जो सभी उम्मीदवार मौजूदा अंतिम परीक्षा चरण को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। उसके पश्चात कुछ दिनों में इन उम्मीदवारों को पटवारी पद पर नियुक्त किया जाता है। सभी चयनित उम्मीदवारों को कार्यस्थान और अन्य आवश्यक बातों की जानकारी का उल्लेख किया हुआ नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब हम पटवारी पद हेतु दी जाने वाली सैलरी के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत में प्रतिमाह लगभग 25,000 रुपये की सैलरी पटवारी पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दी जाती है, जिसमें कुछ समय के सेवाकाल के बाद बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ पर भारत में इस पद के लिए राज्यों के अनुसार दी जाने वाली सैलरी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। अब हम पटवारी कोर्स के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। प्रतिवर्ष भारत में लगभग अधिकतर राज्यों में विभिन्न जिलों में पटवारी पद के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, इसलिए कुछ शिक्षा संबंधी कोचिंग सेंटर पर खास तौर पर पटवारी भर्ती की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस हेतु शुरू से ही इस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों को कुछ खास बातों से संबंधित तैयारी करना आवश्यक बन जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि लगभग सभी राज्यों में पटवारी पद हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा का शिक्षा क्रम लगभग एक समान होता है, जैसे कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस, समसामयिकी, करेंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर, सामान्य इंग्लिश और स्थानीय भाषा, भारत और विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास और
विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, संस्कृति और सामाजिक मुद्दे यानी कि कल्चर एंड सोशल एस्पेक्ट्स, भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी, बौद्धिक क्षमता रीजनिंग, बुनियादी अंकगणित संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं यानी कि मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये सभी विषय होते हैं। और इन सभी महत्वपूर्ण शिक्षा पहलुओं के बारे में अधिकतर प्रश्न पटवारी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस हेतु आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन द्वारा कोचिंग प्राप्त करने के विकल्प मौजूद हैं। अब हम पटवारी के प्रमुख कार्यों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हम आपको आपका परिचय कराएंगे पटवारी के उन सभी कार्यों से जो इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को अनिवार्य तौर पर करने होते हैं। तो मैं इन कार्यों को एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। जिस भी स्थान या क्षेत्र में पटवारी नियुक्त किया गया होता है, उस स्थान की जानकारी समय समय पर सरकार को भेजने की जिम्मेदारी इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति की होती है। आय तथा जाति के प्रमाण पत्र बनाना पटवारी का ही काम होता है। कृषि भूमि संबंधी क्षेत्रफल और नक्शे इत्यादि का रिकॉर्ड रखना पटवारी का ही काम होता है। गांव में किसी भी तरह से निर्मित हुई आपदा की जानकारी सरकार को देना तथा मौजूदा हालात से सरकार को अवगत कराना भी पटवारी का काम होता है। कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि तथा लोगों के निवास हेतु भूमि की संपूर्ण जानकारी रखना भी पटवारी का कार्य होता है। किसी भी प्रकार की भूमि से संबंधित खरीद बिक्री से जुड़ी बातों का हिसाब किताब रखना पटवारी का कार्य होता है। गांव के किसी भी विवादित जमीन को सही तरीके से नापने में मदद करना पटवारी का कार्य होता है। किसानों को फसल बीमा का लाभ पहुंचाने हेतु सहायता करने में पटवारी मदद करता है। गांव में मौजूद खनन से संबंधित नैसर्गिक संपदा पर यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पर ध्यान रखना और उससे जुड़ी जानकारी सरकार को देने का कार्य भी पटवारी का ही होता है। अब हम पटवारी के तैयारी हेतु आवश्यक किताबों के बारे में जान लेते हैं। मैं राज्यों के हिसाब से इन किताबों को एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा अरिहंत की किताब आती है, उसे पढ़ सकते हैं। पंजाब के लिए पंजाब पटवारी अरिहंत की किताब आती है। राजस्थान के लिए राजस्थान पटवारी अरिहंत की किताब आती है। हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा आर गुप्ता की किताब आती है। गरुड़ प्रकाशन पटवारी, ये भी आप बुक पढ़ सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी आयोग पटवारी परीक्षा आर गुप्ता की किताब आती है। महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र पटवारी प्रश्न पत्र के सागर की बुक आती है, उसे पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के छात्र छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा अरिहंत की किताब आती है, उसे पढ़ सकते हैं। इस तरह से और भी किताबें आती हैं सभी राज्यों के लिए। अब हम पटवारी पद के बारे में अधिकतर छात्रों के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों को एक एक कर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पटवारी पद किस सरकार के अंतर्गत मौजूद होता है? तो मैं बता दूं कि ये राज्य सरकार का पद होता है। दूसरा प्रश्न है, पटवारी पद हेतु आवश्यक शिक्षा पात्रता क्या होती है? तो इसका जवाब है, किसी भी शिक्षा धारा से न्यूनतम स्नातक की परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। कुछ राज्यों में शिक्षा पात्रता 12वीं को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। तीसरा प्रश्न है, ग्राम में आय या जाति के प्रमाण पत्र बनाने का कार्य किस सरकारी या अफसर का होता है? तो इसका जवाब है पटवारी। चौथा प्रश्न है, राज्य सरकार के अंतर्गत पटवारी कौन से वर्ग का अधिकारी होता है? तो मैं बता दूं कि ये वर्ग सी का अधिकारी होता है, यानी कि क्लास सी का ऑफिसर होते हैं ये लोग। और पांचवा प्रश्न है, क्या महिला उम्मीदवार पटवारी पद पर कार्य कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल कार्य कर सकती हैं। तो इस तरह से अब तक आपने पटवारी से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की जानकारी को जाना, जिसमें सभी आवश्यक बातों को हमने आपको आपके सामने रखा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अन्य लोगों को भी इस जानकारी का लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।